हेलो। हेलो। हाँ अब तो भाई, हाँ भाई कौन? अरे यार जल्दी भूल जाते हो क्या? अरे नंबर नहीं सेव है भाई, बता दो कौन बोल रहा है। अभी अबू बोल लो या वो अप्पू बोल लो। नहीं मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ, आप कौन? अभी तो बात हो रही थी, अभी भूल गए इतनी जल्दी? आज मैंने कैसे बात करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो क्या? है भाई हेलो हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं उसको लाइन पे ले रहा हूँ। अरे उससे बात हो गई भाई, पिटाई उसकी उसकी कायदे की पिटाई हो गई। वो कह रहा है कि मेरे से बात ही नहीं हुई, वो फोन नहीं उठा रहा है, क्या बोल रहा है? अबे भाई उसकी कायदे से पिटाई कर दी, अब वो बेचारा एकदम परेशान हो गया। ऑडियो भी आपको भेज रहे हैं, ठीक है? उसको धन्यवाद, मैं आ रहा, उसका उसको फोन आ रहा है, ध्यान रख ठीक है? लूंगा। अरे साला, एक तो साला मिस कॉल मारता है खाली बेकारी। ठीक है उसको ब्लॉक करो भाई, उसको कुछ नहीं, वो बेचारा कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता जाता, ठीक है? हम ऑडियो उसकी भेज रहे हैं आपको। एक बार कोशिश करें, योर कॉल हैज बीन टेकन ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने। भाग रहे हैं, भगा दिया हमने फोन, उठा के बोल रहे। हेलो हेलो, क्या हुआ भाई, बोल, आवाज भी नहीं निकल रही। अरे आतिफ देवबंदी, ये तो कोई बात नहीं यार, तुम अपना। अरे आतिफ देवबंदी बोल रहा है, पागल हो गया मुझे आतिफ देवबंदी लगा के नहीं। आतिफ देवबंदी भाई लाइन पे है क्या? हाँ भाई, अपने बाप लाइन पे है। हाँ तो ये बताइए भाई, आप देवबंदी मतलब भाई कैसे बने? आप देवबंदी कैसे बने? तू एल हदीस वाला कैसे बना, मुझे बता। नहीं एल हदीस तो हम है ही है, क्योंकि जो भी मेरे भाई कुरान हदीस को मानता है वो एल हदीस हो जाता है। आप देवबंदी कैसे बने? तो तू एल हदीस तो बना, वो बता मुझे। नहीं आप बात समझे नहीं, बंदी तो औरतें होती है ना, आपको बनना चाहिए था देव का बंदा, आप तो आदमी है, आप तो बंदी बन गए, आप तो औरत हो गए। अपनी बाजी को यार देव, भाई देव बंदी मतलब भाई ये फीमेल हो गया ना, आप आदमी हो के मतलब भाई वो बंदी बन गए। यार अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह का बंदी होता है, लेकिन आप तो मेरे भाई देव का बंदी बन गए। अभी तो 5 मिनट अभी, ये मतलब कैसे हुआ ये? हाँ तो फरमाइए, अर्ज फरमाइए, क्या फरमा रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं भाई देवबंदी आप कैसे बन सकते हैं, बंदी तो औरतें होती है ना, आपको तो भाई जो बंदा बनना चाहिए था। तुम्हारे घर में हिजला है क्या? अरे भाई बंदा बंदी में कोई फर्क नहीं समझ पाता है, अल्लाह का बंदा यानी कि आदमी मर्द और अल्लाह की बंदी यानी कि औरत, तो आप मेरे भाई देवबंदी यानी कि आदमी हो के अपने आप को बंदी बना लिया, औरत हो गए आप। अरे कोई एक लोग बोलो, कितने लोग बोलते हो भाई? एक ही तो बोल रहा, तेरा बाप बोल रहा, कौन बोल रहा है? अरे मेरे भाई तमीज से बात कीजिए, वाकई आप देव का बंदा लग रहे हो। मेरा सवाल ये है कि जो भाई मर्द और आदमी में होता है फर्क, ठीक, अब जो मेरे भाई अल्लाह को मानने वाला आदमी होता है उसको बोलते हैं अल्लाह का बंदा, और जो अल्लाह को मानने वाली औरत होती है उसको बोलते हैं अल्लाह की बंदी, लेकिन आप लोग कहते हो हम देवबंदी हैं, तो देव की बंदी यानी कि बंदी तो औरत होती है ना, और आप लोग तो आदमी हो, तो आदमी बंदी कैसे हो गई? आदमी तो बंदा होता है ना। हेलो अप्पू भाई। हाँ एक बात बताऊं? हाँ बताइए। आपकी गलतफहमी दूर करके फिर कॉल मत करना देवबंदी के बारे में, ठीक है? ठीक ठीक बताइए। मुझे देवबंदी का नाम है ना, तो देवबंदी को तो ये मतलब उनका सीधा देवबंदा जगह का नाम है, और जो जगह का पानी करता है तो उसे उसका नाम होता है, उसका लकब दे दिया जाता है, ठीक है? अरे देवबंद में जो रहते हैं उनको कहना चाहिए कि हम देवबंद वाले हैं या देवबंद वाली हैं, लेकिन आप लोग तो कहते हो हम तो देवबंदी हैं, तो बंदी तो औरतों होती है ना,
आदमी बंदा होता है, तो आपको आगे अपने आप को कहना पड़ेगा हम देव के बंदे हैं, देव बंदा। अब आपको हो गया, अब तुम्हारा काम हो गया हिंदू में फड़े के पोस्ट पे, तुम फड़े के पोस्ट पे है भाई, क्या कह रहे वो करते हो तुम अहले हदीस वाले, तुम अहले हदीस वाले कहां से जाओ, कुरान और हदीस को मानने वाले को अहले हदीस कहते हैं, और जो देवबंद शहर के लोग पढ़े हुए हैं वो अपने नाम के आगे लगाते हैं फाजिले देवबंद, लेकिन जो आम देवबंदी मुकल्लिद है वो अपने आप को कहते हैं हम देवबंदी हैं। तो बंदी तो औरत होती हैं, आदमी अगर आप होते तो आप अपने आप को बंदा कहते, तो इससे साबित हो गया कि आप भाई वो जनाना है और मैं जनानों से बात में नहीं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।